श्री दशरथ जी महाराज पूरी सभा के मध्य में विराजमान हैं, ऐसी पूरी सभा लगी हुई है। और उसके पश्चात श्री दशरथ जी ने दर्पण मंगाया और दर्पण में अपने मुख का अवलोकन किया। जैसे ही दर्पण में मुख का अवलोकन किया, दशरथ जी के सामने आज दो चीजें दिखाई दी। कौन से दो दृश्य थे वो हमने कथाओं में सुना भी है, पुनः चर्चा कर रही हूं, बड़े ध्यान से सब लोग सुनिए। श्री दशरथ जी महाराज ने दो चीजें देखी। पहला क्या देखा? श्रवण समीप भईषित केशा मनहु जरठ पने अस उपदेशा। दशरथ जी ने जो पहली चीज देखी वो ये थी, दशरथ जी ने देखा कि यहाँ कानों के पास के बाल कौन से रंग के हो गए? जोर से बोलिए, सफेद रंग के, श्वेत केश। श्वेत रंग के केश हो गए हैं, श्री दशरथ जी ने देखा। और दूसरी चीज क्या दिखाई दी दशरथ जी को? दूसरी चीज जब स्पष्ट हुई क्या था? श्री दशरथ जी महाराज ने अपना मुकुट सीधा किया है। क्यों? क्योंकि दशरथ जी को दिखाई दिया कि मुकुट थोड़ा तिरछा हो गया। ये दो स्थितियां दशरथ जी के समक्ष उपस्थित हुई और उन सफेद केशों से, श्वेत केशों से श्री दशरथ जी ने एक शिक्षा ली। क्या शिक्षा? उनके हृदय में अब ये बात आ रही है कि मानो ये श्वेत केश सफेद बाल मुझे उपदेश कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। किस बात का? कि दशरथ जी अब आपकी वृद्धा अवस्था प्रारंभ हो गई है, अब बुढ़ापे ने दस्तक दे दी। आप बताइए, क्या ये दोनों चीजें केवल दशरथ जी के जीवन में आई हैं? क्या हमारे जीवन में ये घटना नहीं होती है? क्या हमारे बाल श्वेत नहीं होते? क्या हमारी जिम्मेदारियों को थामते थामते हमारे हाथ पैर कमर क्या जवाब नहीं देते? वो भी कहते, वो बार बार संकेत करते, बुढ़ापा आ गया, आ गया, आ गया। तो हम क्या कहते? आ जाओ। क्या फर्क पड़ता है? प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद। और कैसी अजीब कहानी है जिंदगी की, जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। आखिरी समय में ये बुढ़ापा अब एक तरह से फाइनल पेपर ही है, इसके बाद कौन सा हमें दूसरा एग्जाम पेपर मिलना है? फिर तो कॉपी जमा करने वाला वक्त आता है। वृद्धावस्था, ये वृद्धावस्था आती सबके जीवन में है, लेकिन अब ये सोचना है, आ तो गई है पर इसका हमने उपयोग किया कि जैसे थे वैसे ही रहे, कि पहले बदले कि आने के बाद बदले। अब इन चीजों पर थोड़ा सा विचार कर सोचिए इस चीज को। दशरथ जी ने तो बुढ़ापे की दस्तक देखते ही सोच लिया। क्या सोच लिया? सब कुछ राम जी को सौंप देता हूं, मैं क्या करूंगा अब तो, मैं बस वानप्रस्थ जीवन भजन। हमारा भी बुढ़ापा आता है, एक बार बुढ़ापे की घंटी नहीं आती, कई बार आती है। इसने देखना कम कर दिया, बोला हम आ गए, बुढ़ापे ने बोला, हमने बोला कोई बात नहीं। ठाकुर जी ने दूसरी खतरे की घंटी बजाई, सुनना कम हो गया कि भैया अब तो तुझे संसार की बातें सुनाई भी नहीं देती, अब तो भजन कर। हमने कहा कोई बात नहीं, ऊंचा ही सुनेंगे पर दुनिया की ही सुनेंगे। हाँ, फिर एक बार घंटी बजी, बाल श्वेत हो गए। अच्छा, एक बड़ी विचित्र सी बात, इतनी बड़ी खोपड़ी और ये पूरे सिर को छोड़ के सबसे पहले यहाँ के बाल सफेद होते हैं। और याद रखिएगा, कई लोग अब आपस में चर्चा शुरू कर दे, हाँ आजकल तो बचपन में ही सफेद हो जाते, तो मैं बीमारी वाले सफेदी की बात नहीं कर रही, मैं बुढ़ापे वाले सफेदी की बात कर रही। वृद्धावस्था का जो संकेत होता है वो श्वेत केश यहां से, यहां सफेद होते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये एरिया कान के नजदीक पड़ता है। और वो सफेद बाल कानों में कहते हैं, भाई अब हम आ गए, हम बाल हैं,
और हम तब से तुम्हारे साथ हैं जब तुम बाल थे, अब तो हमने भी अपना रंग बदल लिया। इंसान तू कब अपना रंग बदलेगा? हम काले थे बचपन में पर अब हम सफेद हो गए। अरे मनुष्य अब तू भी अपने हृदय की कालीमा को छोड़कर आगे बढ़, इस कालीमा का त्याग हो, अब बेदाग जीवन जिया जाए, अब निर्विकार जीवन जिया जाए। इतनी सारी खतरे की घंटी आती है लेकिन इसके बाद भी जो मनुष्य सचेत हो जाए वो तो प्रभु की कृपा, और अक्सर हम सचेत नहीं होते। एक निवेदन करूं आपसे, जब ये वृद्धावस्था का हमेशा कोई भी बोझ कोई भी जिम्मेदारी एक समय तक उठाना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी हम लोग क्या करते हैं, इतना कमा ले, इतना बना दे, इतना घर बना दे, ऐसा मकान बना दे, दुकान बना दे। क्यों बना दे? बच्चे के लिए बना दे। हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत कही है, शायद आपने सुनी हो, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर आपका पुत्र सुपुत्र है तो आपको संचय करने की क्या आवश्यकता है, और अगर आपका पुत्र कुपुत्र है तब तो कतई ना करो, भूल के ना करिए। सबसे बड़ी चीज हम आजकल सोचते हैं बच्चों को बस बना बनाया दे दें, लेकिन एक हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करूं, शायद शब्द थोड़े टेढ़े हो सकते हैं पर सत्य है। क्या सत्य है? कि हम जिस प्रकार से बच्चों को बिना परिश्रम के हाथ में चाबी पकड़ा देते हैं तो बच्चा भी समझता है ये सब चीज बनाने में कोई मेहनत लगने वाली एवं ही आती है चीजें, ये तो बनी बनाई। अगर बच्चा आपसे, जैसे कोई बच्चा एक बार खिलौने पे हाथ रखे, मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, पिताजी ने लेके दे दिया, आप इस चीज को आजमा के देखिएगा, बच्चा सुबह खिलौना लेगा शाम को तोड़ देगा। लेकिन अगर बच्चा दो दिन तीन दिन रोया हो, वो गाड़ी चाहिए चाहिए चाहिए, और तीन दिन बाद पिताजी ने दिलाई हो, अब वो खिलौना ना जीवन भर 15 दिन तो चलेगा। क्यों? बच्चा जानता है आसानी से मिलती नहीं है चीजें, बड़ा रोना धोना पड़ता है तब मिलती है। परिश्रम जब किसी चीज को प्राप्त करने के लिए लगता है ना, हमें उस चीज की कीमत पता होती है। संत जन कहते हैं बिना तपस्या के कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। तपस्या का अर्थ जंगल में जाके तप करना नहीं होता, तपस्या का अर्थ अपने जीवन में संघर्ष करना होता है, मेहनत करना होता है। हम और आप पूरे जीवन बनाते हैं और अक्सर सोचते हैं अब हमारा जब बुढ़ापा आएगा तो हम ऐसा कर लेंगे, बुढ़ापा आएगा तो हमारी सेवा होगी। अब समझिए ये जो आपने पहले से चाह कर ली है ना बुढ़ापे में सेवा, आपने अपने दुख की नींव अपने हाथ से डाली, अपने हाथ से पहली ईंट रखी है आपने। हर माता पिता लगभग लगभग भगवान के सामने जाके पहले तो ये भगवान बेटा हो जाए, और बेटा आ गया तो भगवान बेटा संस्कारी होवे, चलो वो भी ठीक है, तो अब एक नई प्रार्थना, भगवान बेटा खूब सेवा करे। अब ये खूब सेवा करे वाली बात थोड़ी खतरनाक हो सकती है। क्यों खतरनाक? आप कहते हो कि भगवान मेरा बेटा ना बुढ़ापे में हमारी खूब सेवा करे, अब सेवा बीमारन की होवे है, चलते फिरते पुर्जा की कौन सेवा करे? बीमारी हो तो सेवा हो, तो भगवान से हम सेवा मांग रहे कि बीमारी मांग रहे, अब ये तो आप जानो। ठाकुर जी से ये कहना ही नहीं है भाई कि भगवान हमारी सेवा हो, ठाकुर जी से ये कहना भगवान ये शरीर केवल तब तक हो जब तक इस तन से सेवा हो। किसी और की सेवा लेने का नंबर है तो बुला लिए हो सकता है। आपने भी देखा होगा कई लोग बड़े बुजुर्ग अगर 90 साल के हो गए पलंग पे पड़े हैं तो घर वाले 108 हवन करा देते, ठाकुर जी इनको बुला ले वो अपने पास, अब बुला ले। ऐसी जिंदगी का भी कोई मोल रह जाता है क्या कि जिसके लिए घर वाले ही प्रार्थना कर रहे ठाकुर जी अब बुला लो, और अगर ठाकुर जी ने बुला लिया तो फिर किसी को फोन करेंगे, अच्छा हाँ सुनिए माता जी चली गई। अब ये समझ नहीं आता खुशखबरी सुना रहे हैं कि दुखखबरी सुना रहे हैं। ये जीवन है, और ऐसे जीवन का मुझे नहीं लगता कि कोई कीमत इस जीवन की रह जाती है। जीवन तो वो होना चाहिए कबीर दास जी के कहे हुए बात अनुसार, कबीरा जब हम पैदा हुए जब हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी है।
कबीरदास जी की एक और अच्छी घटना है। एक बार एक कन्या विवाह करके आई, पहली बार अपने मायके। विवाह के बाद पति देव ने बड़ा सुंदर एक नथ दिया था नाक का। अब जैसे वो नथनी पहन के वो मायके आई, अब सहेलियों के बीच बढ़िया फूली फूली फिरे, ये देखो क्या मिला है मुझे। सखियों से बताओ, तुम्हारे जीजा जी ने मुझे नथनी दिया सोने की, मायके में एक एक को ढूंढ ढूंढ के बता रही है। अच्छा, एक संत खड़े थे, बड़ी देर से ये नथनी की तारीफ के पुल बांधे जाए। संत ने पीछे से कहा, नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार, नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार, और नाक दीन कर तार ने वाको दिया विसार। जिसने नथनी दी उसको इतना याद किया जा रहा है। भले इंसान पहले तो नाक देने वाले की याद कर ले, नाक ना होते तो कान में लटकाए के घूमते हैं क्या करते। कोई पायल तोहफे में दे देना तो भाई जिंदगी भर चांदी की पायल दी थी उनने मुझे, तो हम भी उनके यहाँ शादी में, भाई वो तो बाद में हिसाब किताब लगाना किसको क्या देना है। पहला शुक्रिया ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी आपने मुझे पैर दिए तभी तो किसी ने मुझे पायल दी है, पैर ना हो हमारे तो कौन, लोगों को लगेगा भाई पायल देंगे सामने वाला बुरा मान जाएगा, सोचेगा अपमान हो रहा है हमारा। पहला धन्यवाद कोई घड़ी दे तो ठाकुर जी का धन्यवाद करो, ठाकुर जी आपने मुझे हाथ दिया है इसीलिए आज मुझे किसी ने घड़ी गिफ्ट में दी। हम यहाँ दुनिया में देने वालों को याद रखते हैं, पर इन दुनिया वालों को जिसने दिया है हमें उसकी याद नहीं आती। हम किसी को 2 रुपए भी दे दें तो वो जिंदगी भर याद रहता है, लेकिन अगर हमें 2 लाख भी कहां से मिल रहे हैं वो सोर्स जानने की कोशिश नहीं करते। एक बात बताना, और बड़ी जोर से पीछे तक से आवाज आनी चाहिए, आपने किसी को दिया पहले है कि आपको मिला पहले है? बोलिए, मिला पहले है। इधर वाले अभी सोच रहे हैं क्या बोलें कि सही नंबर मिले, नंबर तो कटीन आ रहे हैं। बड़ी सरल सी बात है, पहले हमें किसी ने दिया है बाद में हमने किसी को दिया है। अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं कहां से किसी को दे सकता हूं या दे सकती हूं? तो हम जब किसी को देते हैं तो क्यों अभिमान आता है जानते हैं? क्योंकि हमने ये देने वाला हाथ देख लिया कि ये हाथ है जो दे रहा है, ये किसका हाथ है, ये मेरा हाथ है, मैंने फला भाई साहब को इतने रुपए मुसीबत में दे दिए। अब आपने तो फला भाई साहब को दे दिया, आपने ये वाला हाथ देख लिया, जरा इनका वाला हाथ भी दे देते जो तुम्हें ऊपर से पकड़ाए जा रहे, ले भाई ये भी गड्डी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, सब रख ले। अभिमान इसीलिए होता है, हम जिस हाथ से देते हैं अगर उस हाथ को देखोगे तो मन अभिमान से भरेगा, पर जो हाथ आपको देता है अगर उस हाथ की ओर देखोगे तो मन भगवान से भरेगा, फिर अभिमान होने वाला नहीं है, कदापि नहीं हो सकता है। जब आप ये कह दो कि प्रभु सब आपकी कृपा से हो रहा है, मेरा है क्या जो मैं दूं, मेरा तो कुछ है ही नहीं, क्या अर्पण करूं मैं आपको, ये भावना तो हो पहले। दशरथ जी महाराज ने अब वृद्धावस्था के लिए बड़ा सुंदर निर्णय लिया, और मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं जो इस पड़ाव पर खड़े हैं उनसे भी, जो आ रहे हैं उनसे भी, और जो कभी इस बुढ़ापे की सीढ़ी पे आकर खड़े होंगे उनसे भी। सबसे मेरी एक प्रार्थना है, आप जिस जगह जिस पड़ाव पर हैं आज से ही भगवान के शरण में अपने मन को रख दीजिए, अपने हृदय को लगा दीजिए। भगवान का भजन करने का तात्पर्य ये कदापि नहीं होता है कि आपको घर छोड़ना है। मैं पहले दिन से ये बात बोलती आ रही हूँ, छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने वाले से छूटता नहीं। हमें शादी में अगर एक वो घड़ी भी मिल जाती है ना, उसको भी अलमारी में सजा के रख देते हैं, इसने दिया है पैक का पैक रहने दो, घड़ी तो है किसी की शादी में देने के काम आएगा। अब काकी शादी कौन से साल में होएगी उसका ना पता है, पर वो घड़ी तैयार है। और कई बार तो गलती ये हो जाती है, जिसके घड़ी घर से घड़ी आई है उसी के घर रिटर्न चली जाती है, अगर 2-3 साल का गैप हो गया तो ये भी हो जाता है, तो हमसे नहीं छूटेगा। हमें करना सिर्फ इतना सा है, आप जिस अवस्था में है न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यों पानी में।
जैसे कीचड़ के बीच कमल रहता है पर थोड़ा सा ऊपर उठ के रहता है, तो उसके बीच रहते हुए भी उस कीचड़ का दाग कमल की पंखुड़ियों पर नहीं आता है। और जो ऐसा कमल होता है ना, वही कमल ठाकुर जी के चरणों में जाकर चढ़ाया जाता है। कीचड़ से सना हुआ पुष्प कौन अर्पित करेगा, कौन अर्पित करेगा? श्री दशरथ जी ने तो निर्णय लिया, अब हम भी थोड़ा ये अपने हृदय में विचार करें कि भैया एक समय तक जिम्मेदारी उठानी है, एक समय तक। कई बार हमने देखा है 70 साल, 80 साल, 90 साल की आयु हो जाती है और कमर में चाबी लटक रही होती है। अपना भार तो उठाया नहीं जा रहा, चाबियों का भार भी आपने कमर पे ही डाल दिया। काऊ की माला में, काऊ के जनेऊ में, काऊ के कई पे, कई के आंचल के छोर में वो चाबी नहीं छूटती। और यही सबसे बड़ी मुसीबत है, जिस दिन ये छूट जाए। और क्यों नहीं छूटती है, कहीं दे दे तो ये बिगाड़ ना दे। अरे तो हमने कौन सा अमृत पिया है कि जीवन भर धन की रखवाली किएंगे, जाना तो है ही, जाने के बाद बिगाड़ दिया तो क्या करेंगे। वृद्धावस्था में भैया जीने की चाहत बढ़ जाती है, ये याद रखिएगा। अगर कोई ये कहे बुढ़ापा आया हम तो पट्टे से जहर खा के मर जाएंगे, लेने कौन जाएगा जहर, ये भी तो बताओ। शरीर उसके लिए भी तो होना चाहिए, पलंग पे पड़े दवा खा नहीं पा रहे, जहर लेने कौन जाएगा मार्केट, ये भी मुसीबत है। इंसान अपनी चाह से मर भी नहीं सकता है, मृत्यु भी तब। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये इतनी चीजें विधाता ने हमारे कंट्रोल में नहीं छोड़ी, इसको अपने हाथ में रखा है। हानि लाभ जीवन मरण ये हमारे वश की बात नहीं है। मृत्यु के समय तो जीने की चाहत बढ़ती है। एक बूढ़ी मैया बिल्कुल पलंग पे पड़ी थी, अच्छा बिल्कुल अंतिम श्वास चल रही, ऐसा लग रहा अब मरेगी कब मरेगी, अब मुंह से आवाज निकलना भी बंद हो गई। अचानक वो बूढ़ी मैया क्या एक बकरी बंधी हुई थी, अब वो बकरी की ओर इशारा करे, अब बोल तो पावे ना तो इशारा करे। अब घर के बेटा बहू को लगा, लगता है माताजी मरते मरते कोई तिजोरी की चाबी के बारे में बताना चाहते। अब बेटा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बस एक बार हमारी सासू मास हमारी माताजी को एक बार बुलवा दो, बस एक शब्द बोल दे, वहां के बाद जो होना हो। डॉक्टर ने कहा बुलवा तो दूंगा, पहले फीस दो 20,000। बेटा ने कहा ये धरो फीस, अरे घर पे ले लोगे, नहीं चलेगा। डॉक्टर ने कहा घर पहुंचते ही बूढ़ा अम्मा चली गई तो हमारी फीस कौन देगा, पहले फीस बाद में काम। अब 20,000 लिए डॉक्टर साहब ने, अबे बूढ़ी अम्मा बोले तो कछु ना इशारा, खाली करे जाए इशारा 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 इशारा। अब बेटा बहू आनंद से भरे जा रहे, बस 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 अब वो ताला खुलने ही वाला है, हमारी अम्मा अब बताएगी कि कहां पे पुटलिया गाड़ के रखी है ये। अब इतने में डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, 5 मिनट बाद बूढ़ी अम्मा के मुंह से आवाज निकला, सब ऐसे ताक रहे थे अब धन का पता चला। तब तक बोला बेटे ने, हाँ हाँ अम्मा कहां है धन, धन कहां है। बूढ़ी अम्मा ने कहा अरे निकम्मे धन का चोर, देख बकरी झाड़ू खाए रही। अब सोचो अरे मातारी मरने वाली हो, एक बार राम कह लेती तो भी शायद कर जाती, वो झाड़ू कौन सा तेरा बेरा पार करेगा। पर मोह, ये जो हम कहते हैं ना मैं नहीं रहूंगा तो देखना मेरे रहते हुए मोह जुड़ा लो बेटा, जब मैं चला जाऊंगा ना तो तुम सबकी खबर लगेगी। क्या पता हमारे परदादा भी यही कहते रहे हो, हमारे पिताजी से या पिताजी के पिताजी से। आज परदादा चले गए, दादाजी चले गए, किसी किसी के पिताजी भी चले गए। जब ये सब बोलने वाले चले गए तो हम बोलने वाले कौन है जो धरती पर रहेंगे, हम भी तो जाएंगे, अवश्य जाएंगे।